हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज हम आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां पर आपका जाते ही मन खुश हो जाएगा। चलो चलते हैं दोस्तों, हम आपको लेके जा रहे हैं गौशाला में। दोस्तों ये गौशाला श्री हीरानंद मक्कड़, ये बहुत पुरानी गौशाला है दोस्तों। चलो गेट के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर जाकर हम अंदर का व्यू देखते हैं और गौओं से मिलते हैं। ये सामने का व्यू है दोस्तों। दोस्तों इस गेट से मंदिर आए हैं और ये गौशाला का चारों ओर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने ये देखना, ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है गौशाला का। ये पीछे गौशाला के जो शेड नजर आ रहे हैं सामने आपको, उधर गौशाला गौवें रहती है और इधर के ये बाउंड्री एरिया है ये जो। चलो दोस्तों अब चलते हैं गौ। ये एक नीम का पेड़ है, इसके नीचे एक मूर्ति लगी हुई है। अब मूर्ति को हम नज़दीक से देखेंगे। दोस्तों ये मूर्ति किस महान संत की है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये थोड़ी खंडित अवस्था में है। दूसरी मूर्ति दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये गौशाला में गौएं आपको नजर आ रही होगी, लोग यहाँ पर आकर सेवा भी करते हैं जैसा ये भाई साहब कर रहे हैं। ये देखना दोस्तों, लोग यहाँ पर आकर सेवा करते हैं। गौशाला में बहुत सारी गाय है दोस्तों। ये बेचारी गौएं देखो किस आशा भरी निगाहों से हमें देख रही है। ये देखना दोस्तों, जैसे ये सोच रही है कि मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ, लेकिन मैं अभी इनको खाने के लिए नहीं लेके आया हूँ, बाद में कुछ डालूँगा। तो एक बार मैं अपने गौशाला का पूरा व्यू आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखना कितनी सारी गौ है, ये मेरे पास आ रही है जैसे आशा भरी उम्मीद से, ताकि जैसे कि मैं इनको कुछ खाने को दूंगा इस भाव से मेरे पास आ रही है दोस्तों। ये देखना दोस्तों पूरी गौशालाओं में गायें गाये हैं। ये जो आपको इस साइड नजर आ रहा है दोस्तों, इन साइड में इनके लिए चारा भूसा भरा हुआ है। ये मेरी गौ माता, ये देखना दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी गौ है। ये देखना दोस्तों, देखो सेवा कर रहे हैं दोस्तों। हर हिंदू भाई और सनातन भाई का धर्म है कि वो गौओं की सेवा जरूर करे। ये चारे की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखना चारा कैसे खिला रहे हैं गौ माता जी को, सेवा कर रहे हैं दोस्तों। ऐसी सेवा सबने मिलकर करनी चाहिए। गौ माता की जय हो। जैसे कि मैंने अभी गोदाम में बताया था, ये सब भूसा इनके अंदर भरा हुआ है दोस्तों। ये देखो कितना भूसा इनके अंदर भरा हुआ है, पूरे साल भर का भूसा इनके अंदर डाला हुआ है। लोग यहाँ पर सेवा दान भी करते हैं और कुछ गौशाला वाले मोल भी लेते हैं दोस्तों। अंकल आप यहीं रहते हो? कितनी गौ है यहाँ पे? कितने? दो ढाई सौ। आप इसके अंदर बोलो है, इसके अंदर दो ढाई सौ है। दो ढाई सौ। आप यहीं पे सेवा करते हो? हाँ। कितने सालों से सेवा कर रहे हो? हमें तो 8 साल हो गया। 8 साल से? अच्छा। तो यहाँ पर लोग भी, लोग यहाँ पर अपना सेवा करने के लिए भी आते होंगे? हाँ आते हैं। आते हैं जैसे कि ये सामने भाई साहब सेवा कर रहे हैं? हाँ हाँ ऐसे आते हैं। तो आप यहाँ पे सैलरी पे हो कैसे हो? सैलरी पे हो कैसे हो? हम तो तनखा लेते हैं। दोस्तों गौशालों के बीचे बीच एक पीपल का पेड़ है जो कितना बड़ा है ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। इसके नीचे भी एक मूर्ति लगी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर भी एक मूर्ति लगी है महाराज जी की, और एक वो मूर्ति सामने लगी हुई है आप देख रहे होंगे।
तो किस महान तपस्वी की ये मूर्ति है मैं नहीं जानता। तो भैया देख सेवा कर रहे हैं गौशाला में, लोग आकर अपनी सेवा करते हैं। दोस्तों सेवा करनी भी चाहिए। ये भाई देख सामने अपने खाने की रोटी लेके आया और गौओं को देगा अपने हिस्से की। ये देख ये होता सेवा का भाव। हर हिंदू भाई हर सनातनी भाई के मन में सेवा का भाव जरूर रहता है। वह अपने हिस्से की खाने की रोटी भी हमेशा दान कर देता है गौशाला में और गौओं को अपने हाथों से खिलाने सौभाग्य समझता है। एक पुण्य आत्मा होती है जो इतनी सेवा करती है। तो दोस्तों इस साइड में भी बहुत सारी गौएं आपको नजर आ रही होगी और इस साइड में भी है, दूर तक पीछे भी है। गौशाला में अच्छी सेवा की जाती है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों आपने ये गौशाला की वीडियो देखी, आपको कैसी लगी, गौ माता कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये गौएं हैं, ये देखना, इनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता की जय हो।